और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है। कांग्रेस समस्या है, आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। सूर पकाना है, अंबर से ऊंचा गाना है, अंबर से ऊंचा कल आपने देखा होगा राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हो, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथ पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का आज कृतित्व है। केदारनाथ पुरी एक नए धाम के रूप में, नई आभा के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने उजाला था, मोदी जी ने संवार दिया। कांग्रेस तो स्वयं में समस्या का नाम है। भैया बहनों, अंतर फर्क साफ है, एक समस्या है एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है, आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। समाधान, समाधान। हर गरीब को राशन की सुविधा मिले, ये कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश और देश में शासन किया, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, वे नहीं कर पाए। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उनके एजेंडे में नहीं था, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया। अब तो हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और मुझे लगता है भारतवासी सदियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा होगा। सदियों से कई पीढ़ियां गुजर गई, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों से भगवान राम के इस वैभव को स्वयं रामलला के मंदिर में विराजमान होते हुए देख पा रहे हैं। उस मध्य प्रदेश में 20 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहां की कायाकल्प करने का प्रयास किया है। और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या को एक बार देखेंगे, आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि वाह, यही अयोध्या पुरी है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन सरकार के कार्य। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया,
जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, समस्या का समाधान हुआ, आज रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।